अमेठी को छोड़ने का फैसला ये आत्मघाती फैसला है। अमेठी छोड़ करके जो राहुल गांधी जी ने अमेठी छोड़ने का फैसला किया है तो वो हार के डर से किया है। राहुल गांधी तो हर जगह कहते थे, मीडिया से कहते थे डरो मत, कांग्रेस के नेताओं से कहते थे डरो मत, विपक्ष के नेताओं से कहते थे डरो मत। तो जो आदमी दूसरों को कहता था डरो मत वो खुद डर गया। 2024 के चुनाव में सपा आज भी उनके साथ खड़ी है लेकिन बसपा उनके साथ नहीं खड़ी है। तो जो बसपा का वोट था उसको इसमें से माइनस अगर कर दिया जाए तो राहुल गांधी जी अमेठी भी हार रहे हैं और वो रायबरेली भी हारेंगे। अमेठी को छोड़ने का फैसला ये आत्मघाती फैसला है क्योंकि राहुल गांधी जी जब 19 में चुनाव लड़े थे अमेठी से तो मैं लखनऊ से चुनाव लड़ रहा था। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा। हमारे सामने सपा बसपा का ज्वाइंट कैंडिडेट के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, यानी कि मायावती जी और अखिलेश यादव दोनों का समर्थन हमें प्राप्त नहीं था, राहुल जी को प्राप्त था। अमेठी में उनका कोई कैंडिडेट नहीं था तो सपा का समर्थन तब भी इनके साथ था, तब बसपा का समर्थन भी था। तो आज 2024 में और 2019 में जो फर्क है वो क्या है कि 2024 के चुनाव में सपा आज भी उनके साथ खड़ी है लेकिन बसपा उनके साथ नहीं खड़ी है। तो जो बसपा का वोट था उसको इसमें से माइनस अगर कर दिया जाए तो राहुल गांधी जी अमेठी भी हार रहे हैं और वो रायबरेली भी हारेंगे क्योंकि जो बसपा का वोट है वो अब इन्हें नहीं मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, अमेठी छोड़ करके जो राहुल गांधी जी ने अमेठी छोड़ने का फैसला किया है तो वो हार के डर से किया है और इतने बड़े नेता को डरना नहीं चाहिए। और उसमें राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं, विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं। संजय गांधी भी चुनाव हारे थे मगर उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी थी। इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी, उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी। तो हार के डर की वजह से आप सीट बदल दें ये बड़े नेताओं को शोभा नहीं देता। और फिर राहुल गांधी तो हर जगह कहते थे, मीडिया से कहते थे डरो मत, कांग्रेस के नेताओं से कहते थे डरो मत, विपक्ष के नेताओं से कहते थे डरो मत। तो जो आदमी दूसरों को कहता था डरो मत वो खुद डर गया। तो जो परसेप्शन है पब्लिक का वो ये है कि राहुल गांधी डर गए और इससे कांग्रेस के वर्कर्स का मनोबल भी टूटा। जो आदमी दूसरों को कहता था डरो मत वो खुद डर गया। तो जो परसेप्शन है पब्लिक का वो ये है कि राहुल गांधी डर गए और इससे कांग्रेस के वर्कर्स का मनोबल भी टूटा।